तो अगर आपके जेई मेंस में काफी ज्यादा अच्छी रैंक है तो आपको किस तरह से चॉइस फिलिंग करना है, देखिए तो जो अवेलेबल चॉइस आपके पास होगा, सबसे पहला बात आपको जो याद रखना है कि आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ चॉइस भर सकते हो, मतलब अगर आपके पास 380 अवेलेबल चॉइस है तो आप 380 भर सकते हो, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग करते समय अवेलेबल चॉइस में कोई कंजूसी भी नहीं करनी आपको, ठीक है, भरते समय। तो अगर आपकी रैंक अच्छी आती है जेई मेंस में तो सबसे पहला आप जो प्रेफरेंस देंगे वो टॉप एनआईटीज को देंगे, उसके बाद मीडियम टाइप के एनआईटीज को, फिर लो टाइप के एनआईटीज को, ठीक है। अगर आप टॉप एनआईटीज को देंगे तो आपको ऑफकोर्स टॉप एनआईटीज मिली जाएगी क्योंकि आपकी रैंक जो है जेई मेंस में काफी ज्यादा अच्छी है, ओके। अगर आप ब्रांच कंसर्न है तो ब्रांच कंसर्न का केस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको सीएससी चाहिए या अगर आपको मैकेनिकल चाहिए तो आप सबसे पहले मैकेनिकल भरेंगे, उसके बाद जो आपको ब्रांच चाहिए वो भरेंगे, ठीक है। अगर आपको सीएससी चाहिए तो सबसे पहले आप सीएससी भर दीजिएगा अच्छी एनआईटीज की, उसके बाद आप मीडियम टाइप की एनआईटीज में अप्लाई कर दीजिएगा, ओके। तो इस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आता है, लगभग अगर आपका रैंक 20,000 से लेके 30,000 के बीच में आता है और आप ब्रांच कंसर्न हो, ठीक है, आप अगर ब्रांच कंसर्न हो तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन कौन सी एनआईटीज में मुझे चांस मिल सकता है, ठीक है। लेकिन तब भी आपका चॉइस फिलिंग कैसा होगा, आपका चॉइस फिलिंग ऐसा होगा कि जो टॉप एनआईटीज है वो आप भर दीजिएगा ऊपर, उसके बाद मीडियम टाइप की एनआईटीज भर दीजिएगा, उसके बाद लो टाइप की एनआईटीज भर दीजिएगा जिसमें आपका आपको लगता है कि आपका ऑफकोर्स भी मतलब आपका हो जाएगा, ओके। तो अगर देखिए अगर आपकी रैंक अच्छी है और आपने टॉप में अच्छा एनआईटी नहीं भरा, ठीक है, तो आपको अगर अच्छा एनआईटी फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाता है और आपका जो अवेलेबल जो चॉइस लिस्ट में जो एनआईटीज आपने भरा था वो था 10th नंबर, तो अब जो नेक्स्ट राउंड होगा, अब जो नेक्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा उसमें जो एनआईटीज मिलने की आपको चांसेस रहेगी वो 10th से अबव, मतलब 10th नंबर जो चॉइस लिस्ट में था आपका उससे ऊपर वाली एनआईटीज में आपका होने का चांस रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का रैंक आया है 8,000, ओके, और उसने टॉप 10 में मतलब बीच में कोई मीडियम टाइप की एनआईटीज भर दी और फर्स्ट राउंड में मीडियम टाइप की एनआईटीज अगर उसे मिल जाती है तो मीडियम टाइप की एनआईटीज के बाद अगर वो कोई और अच्छी एनआईटीज भरता है तो उसके लिए वहां जाना मतलब उसे वो नीचे वाली एनआईटीज नहीं मिल पाएगी जो उसने अपने मीडियम एनआईटीज के नीचे भरी है, ठीक है। तो मीडियम एनआईटीज के ऊपर वाला जितना भी चॉइस अब प्रायोरिटी ऑर्डर में बाकी रहेगा उसका, अब उसको बस उसी सब एनआईटीज में मिलने का चांसेस रहेगा। इसका मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जोसा काउंसलिंग या सीसैप के काउंसलिंग में, ओके। अगर आप ब्रांच कंसर्न हो ही नहीं, मतलब आपको अच्छी कॉलेज मतलब अच्छा कॉलेज चाहिए, तो अच्छा कॉलेज का केस में क्या है कि आप सबसे अच्छी कॉलेजेस टॉप में रखिए, फिर मीडियम टाइप की, फिर लो टाइप की, ओके। तो आपके पास अभी टाइम है, आप एनालाइज कीजिए कि कौन सा एनआईटी बेटर है आपके लिए आपका रैंक के हिसाब से, ठीक है। अगर आप ब्रांच कंसर्न हो तो आप ब्रांच वाइज भरिए, फिलअप कीजिए, लेकिन आप सबसे पहले टॉप एनआईटीज भरिए, उसके बाद मीडियम, उसके बाद लो, ठीक है, क्योंकि अगर आपको टॉप नहीं मिलती तो मीडियम मिलने के चांसेस रहता है, अगर नहीं मिलते तो फिर लो टाइप के एनआईटीज मिलने के चांसेस रहते हैं, ओके। अगर आपको जोसा के 7th राउंड तक कोई एनआईटीज नहीं मिलती तो आप पेशेंस मत हारिएगा क्योंकि जोसा के बाद सीसैप स्टार्ट होता है, सीसैप में भी आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है तो उसमें भी ये सब बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये जो 2nd राउंड, 3rd राउंड, 4th राउंड, 5th राउंड होता है ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में एनआईटीज मिलती है वो बच्चे उस एनआईटीज को नहीं लेते और कोई फर्दर दूसरे एनआईटीज के लिए वेट करते हैं, तो इसलिए वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। वैकेंसी क्रिएट होने के बाद 2nd राउंड, 3rd राउंड, 4th राउंड फर्दर प्रोसेस कैरिड आउट होता है, ओके। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। आप ट्रिपल आईटी को भी एनालाइज कीजिए कि कौन सा ट्रिपल आईटी आपके रैंक के हिसाब से आपको मिल सकती है और उस हिसाब से आप अपने चॉइस फिलिंग में ज्यादा ध्यान दीजिए और उसे फिलअप कीजिए। अब चॉइस फिलिंग करने के बाद मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 आता है, ये प्रोबेबिलिटी दिखाता है कि आपका अभी का चॉइस फिलिंग के हिसाब से आपको ये एनआईटी मिलने का संभावना है, ये प्रोबेबिलिटी दिखाता है जस्ट, ओके। तो उस हिसाब से आप फर्दर चेंजेस कर सकते हो अपने चॉइस फिलिंग में, ओके। मॉक सीट अलॉटमेंट 1 और 2 ये दो चांसेस आपके पास रहती है, आप चेंजेस कर सकते हो अपने चॉइस फिलिंग में, ठीक है। तो दो बातों का आपको ध्यान रखना है, प्रायोरिटी ऑर्डर आपको मेंटेन रखना है, मतलब आपको टॉप ऑर्डर के एनआईटीज को ऊपर, फिर मीडियम, फिर लो, उस हिसाब से रखनी है, ठीक है। अगर आपको टॉप नहीं मिलती तो मीडियम में, मीडियम नहीं मिलती तो लो में आते हो, ओके। और अगर आप ब्रांच कंसर्न हो ही नहीं तो आप अच्छी कॉलेजेस ऊपर भरिए, फिर लो कॉलेजेस, इस टाइप से आपका चॉइस फिलिंग होगा।
तो ये था चॉइस फिलिंग के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।